एक और सुहाना सा दिन है अपने लॉस सैंटोस के अंदर, और काफी दिन हो गए यार मैंने लॉस सैंटोस की खबरें नहीं पढ़ी। लॉस सैंटोस में चल क्या रहा है आजकल, मेरे को यही नहीं पता। रुको रुको, ऊपर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा आज का, जरा फटाफट से न्यूज़पेपर लेकर आते हैं गाइस और देखते हैं आजकल लॉस सैंटोस में चल क्या रहा है। ओके, ओ ये रहा न्यूज़पेपर, फटाफट से इसे नीचे लेकर चलते हैं, मस्त एकदम धूप सेकते हुए धूप में पढ़ेंगे इस न्यूज़पेपर को। अब न्यूज़पेपर तो ले लूं मैं, एक सेकंड, चलो भाई। ओके तो न्यूज़पेपर लेकर आ चुका हूं और जरा खबरें पढ़ना शुरू करते हैं। अबे ये क्या पहली खबर लिखी हुई है, लॉस सैंटोस में फेमस हो रहा है एक नीला कुत्ता। लॉस सैंटोस में नीला कुत्ता कहां से आ गया भाई, एक सेकंड, नीले डॉगीज होते भी है या फिर नहीं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। एक सेकंड गाइस, जरा देखते हैं और आगे क्या लिखा है। लोगों ने भीड़ लगाई नीले कुत्ते के संग सेल्फी लेने के लिए। अबे भाई कहाँ से आ गया ये नीला डॉगी जिसके संग सेल्फी लेने के लिए लोग भीड़ लगा रहे हैं। अबे नीला डॉगी होने लग गया दुनिया में, क्या पता भाई कुछ भी हो रहा है लॉस सैंटोस में। आगे देखते हैं क्या लिखा है। नीले कुत्ते के ऊपर पानी डाला तो वो निकला एक काला कुत्ता। अबे भाई साहब, उसके ओनर ने नीले कलर का पेंट किया था उस डॉगी के ऊपर। अबे फेमस कर दिया उस डॉगी को तो, और अंदर से निकला वो ब्लैक डॉग। छोड़ो गाइस उसे, अब दूसरी खबर पढ़ते हैं और क्या खबरें छपी है न्यूज़पेपर में। क्या आलतू फालतू की खबरें छप रही है आजकल, कुछ भी हो रहा है कुछ भी। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट पर टक्कर हुई एक प्लेन और एक साइकिल की। वेट व्हाट, क्या हो रहा है ये आजकल, प्लेन और साइकिल की टक्कर है। अच्छा हाँ, साइकिल लेके बंदा जा रहा होगा रनवे पे और प्लेन लैंड हो रहा होगा, ये टेक ऑफ कर रहा होगा, बस हो गई भाई टक्कर। कुछ भी अजीबो गरीब हो रहा है यार लिटरली में। जरा तीसरी आगे की न्यूज पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या हो रहा है लॉस सैंटोस में। तो नेक्स्ट न्यूज में यहाँ पर लॉस सैंटोस में बना है एक नया होटल और होटल के पहले दिन ही सीसीटीवी कैमरास चोरी। व्हाट, होटल के सारे सीसीटीवी कैमरास चोरी हो गए, इसीलिए तो मैंने अपने घर में एक भी सीसीटीवी नहीं लगाया है। यस गाइस, मेरे को पता है भाई लॉस सैंटोस में सीसीटीवी का लिटरली में कोई फायदा नहीं है, चोरों को कोई डर नहीं है, वो बिंदास जाते हैं और बताओ सीसीटीवी चुरा ले गए होटल में से कोई बात होती है। चलो नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं, कुछ काम की भी न्यूज आती है लॉस सैंटोस में, नहीं कुछ भी हो रहा है कुछ भी। लॉस सैंटोस में पुलिस वालों के लिए नए टास्क, और जो भी टास्क को कंप्लीट करेगा बनेगा पुलिस वाला। क्या, ओ ये तो काम की खबर है, ओ ये तो काम की खबर है गाइस। लॉस सैंटोस में ऐसा टास्क वास्क चल रहा है पुलिस स्टेशन के अंदर, जिसके अंदर हमें टास्क मिलेगा और उस टास्क को अगर कंप्लीट कर दिया तो हम लोग पुलिस वाले बन जाएंगे। अरे वाह, लगता है इसके लिए तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, लेट्स गो भाई। चलो इतनी फालतू की खबरों में एक बढ़िया खबर भी मिल गई, चलो गाइस फटाफट से निकलते हैं पुलिस स्टेशन। और कुछ भी काम की खबर है, नहीं नहीं छोड़ो भाई सारी फालतू की खबरें। वैसे क्या टास्क देंगे भाई पुलिस वाले, जो भी टास्क दे मजा आएगा गाइस, पुलिस वाला बनने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता है। जल्दी से अपनी गाड़ी निकालते हैं और निकलते हैं फटाफट से पुलिस स्टेशन। लेकिन यार न्यूज़पेपर तो काफी लोगों ने पढ़ा होगा यार, भीड़ लगी होगी पुलिस स्टेशन पे, तो कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ा है सारे बंदे ही टास्क कंप्लीट कर लें। चलो चलो फटाफट निकलते हैं अपनी रेंज रोवर लेके पुलिस स्टेशन में, आ रहा हूँ पुलिस वाला बनने के लिए। आई डोंट नो गाइस क्या टास्क मिलने वाला है मुझे, और जो भी टास्क मिलेगा मैं उसे कंप्लीट करूँगा और ज़रूर करूँगा और बनूँगा मैं भी एक पुलिस वाला। लेट्स गो, लेट्स डू दिस। चलो 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 पुलिस स्टेशन चलते। अबे एक सेकंड, मैं गलत साइड से जा रहा हूँ, उधर जाना था मुझे। अबे यार भाई, अगर पुलिस वाला बनूंगा मैं तो पुलिस की ड्रेस, पुलिस की गाड़ी, ना जाने क्या क्या होगा। और थोड़े बड़े लेवल का पुलिस वाला बन गया तो आगे पीछे चारों तरफ पुलिस वाले भी घूमेंगे यार। ओहो हो, ज्यादा बड़े सपने देख रहा हूँ मैं, पहले पुलिस वाला तो बन जाऊं मैं। जल्दी से निकलते हैं गाइस पुलिस स्टेशन, लेट्स गो। लॉस सैंटोस का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए भाई, आलतू फालतू खबरों के बीच में काम की भी खबरें मिली जाती है। देखो भाई अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता तो मेरे को पता ही नहीं चलता लॉस सैंटोस के पुलिस वाले ऐसा भी कुछ कर रहे हैं कि टास्क कंप्लीट करो और बनो पुलिस वाले। टास्क कंप्लीट करने में तो मैं माहिर हूँ भाई, कैसा भी टास्क दो मैं आसानी से कंप्लीट कर दूंगा। वेट 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 वेट, लाइन लगी है भाई ये तो, अरे लंबी चौड़ी लाइन लगी है ये तो। ओ तेरी, इसमें मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर आते आते टास्क ही ना खत्म हो जाए यार। ओ सीरियसली, मैं लाइन देखो भाई, ओ तेरी, और वो मोटा किस उम्मीद में पहुंचा है भाई, वो भी पुलिस वाला बनेगा है? पता नहीं गाइस क्या सीन है, बट लिटरली में लाइन बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी लगी है। ओ भाई साहब, और मैं तो लगता है सबसे पीछे ही जाऊंगा।
अरे ये सब लोग किस उम्मीद में लगे हैं भाई? तुम्हें लगता है सीरियसली मैं तुम लोग किसी दिन पुलिस वाले बनोगे? शायद बन भी जाओ भाई, टास्क ही तो कंप्लीट करना है। टास्क कंप्लीट कर दिया तो शायद गैस ये लोग भी पुलिस वाले बन जाए। चलो चलो आगे बढ़ते चलो, लाइन बढ़ाओ। पता नहीं मेरा नंबर कब आने वाला है, लिटरली मैं आई हैव नो आइडिया। थोड़ी सी शाम हो चुकी है गैस और थोड़ी सी लाइन आगे बढ़ी है। तुम लोग देख सकते हो पहले मैं इधर कहीं खड़ा था और अभी वहाँ। इतनी सी तो लाइन बढ़ी है यार, लगता है कल सुबह ही मेरा नंबर आएगा। ये तो गलत बात है भाई, ये तो सीरियसली में गलत बात है। अबे जल्दी जल्दी टास्क दो और बात खत्म करो, ये क्या लाइन इतनी लंबी लगा रखी है। ओहो ना जाने कब आएगा नंबर। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो फिलहाल रात हो गई है और अब मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। धीरे धीरे करके लाइन आगे बढ़ रही है गाइस। पता नहीं भाई, मेरे को पता नहीं लिटरली में कब मेरा नंबर आने वाला है। जरा तुम लोग एक बार टाइम देखो, 9:30 बज चुके हैं यार, 9:30 बज गए हैं। वेट व्हाट, लिटरली में कल सुबह ही आएगा क्या नंबर? लग तो रहा है बिस्तर लाना चाहिए था यार, सो जाता इधर ही बिस्तर डाल के, ये बेंच पे सो जाता। लेकिन मेरे आगे कोई आ जाता तो नहीं यहीं बिस्तर लगा के आराम से सो जाता। लेकिन बिस्तर की क्या जरूरत है, सो जाओ ना भाई, ऐसी बहुत तेज नींद आ रही है। लेकिन नहीं भाई, जगे रहना पड़ेगा, क्या पता कब नंबर आ जाए। तो गाइस लाइन अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ ही रही थी और यहाँ पर 2:30 बज चुके हैं, अगला दिन हो चुका है और मेरे आगे वाले बंदे तो लिटरली में सो भी गए। नींद तो मुझे भी आ रही है यार, 2:30 बजे कौन जगा रहता है। मैं भी चला सो ही जाता हूँ थोड़ा सा। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। देखते हैं कब आता है नंबर। सो जा भाई, सो जा लाल टी शर्ट वाले भाई, सो जा, नंबर अब कल सुबह ही आएगा। सो जा बिंदास सो जा। रात भर लाइन आगे बढ़ती रही और अभी फिलहाल जो लाइन है काफ़ी ज़्यादा छोटी हो चुकी है। तुम लोग देख सकते हो बस आने ही वाला है गाइस नंबर, 2-4 बंदे और रह गए हैं, उनके पास हमारा ही नंबर है। चलो चलो जग जाओ भाइयों, जग जाओ। पुलिस वाला नहीं बनना, टास्क कंप्लीट नहीं करने, जगो, सोना नहीं है, जगो, लाइन में सीधे हो जाओ, सोना नहीं है, नंबर आ चुका है। चलो मोटा भाई, अबे सीधे हो जाओ भाई साहब, अरे सीधा हो के लाइन में लग जा। ओके चलो भाई, इंतजार करते हैं, अबे हट, इंतजार करते हैं अपने नंबर का। फाइनली गाइस सारी लाइन जो है वो खत्म हो चुकी है और ऑलमोस्ट अब नंबर आ ही गया है और 9:30 बज गए हैं। मैंने पता नहीं क्या किया, मैं तो फ़ोन निकाल रहा था, गलती से गलत बटन दब गया। सॉरी भाई साहब, सॉरी, आप साइड में हो जाओ, उसने देखा नहीं पुलिस वाले ने। छोड़ो, होश में आएगा जब ही अपने पेपर के बारे में डिमांड करेगा उस पुलिस वाले से। फिलहाल तो आप लो भाई पर्ची और मैं भी लेता हूँ आपके बाद। चलो चलो जल्दी। हेलो सर, सर मेरे को पेपर दो, मेरे को टास्क दो फटाफट से। ओके सर, चलो चलो गाइस, पेपर मिल गया है, भागो यहाँ से। यार गलती से मैंने उसके मुक्का मार दिया, मुक्का मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तो पेपर मिल चुका है, अब फटाफट से भागते हैं यहाँ से और किसी कोने में जाके गाइस पेपर को रीड करते हैं, देखते हैं हमारा टास्क क्या है। फिलहाल तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ये लाइन लगी क्यों थी और ये लाइन में बंदे कर क्या रहे थे। देखो गाइस सिंपल सी बात है, पुलिस वालों ने ऐसा सीन रखा है कि किसी भी बंदे को अगर पुलिस वाला बनना है तो सिंपली पेपर लो, पेपर में टास्क लिखे होंगे, टास्क को कंप्लीट करो, अगर कंप्लीट कर दिया तो तुम पुलिस वाले बन जाओगे। तो इसीलिए सारे बंदे थे लाइन में लगाकर, इन सारे बंदों को पेपर मिल रहे थे और अभी फिलहाल सारे बंदे अपना टास्क कंप्लीट करने में लगे पड़े होंगे। फिलहाल पेपर मुझे अब मिला है तो मैं अब जाऊंगा अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए। फिलहाल ये कोना बढ़िया है, फटाफट से गाड़ी से उतरते हैं और जरा अपने पेपर को रीड करते हैं, देखते हैं अपने पेपर में क्या लिखा है। फिलहाल बारिश वाला माहौल हो रखा है, बारिश होगी भाई, पक्का बारिश होगी। पेपर रीड करते हैं क्या लिखा है, लेट्स गो। तो पेपर के अंदर तुम लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है किडनैप एनी वन पर्सन फ्रॉम लॉस्ट गैंग। व्हाट, किडनैप करना है? अच्छा किडनैप क्या मतलब, वही अरेस्ट करना होगा ना, लेकिन अभी मैं पुलिस वाला बना नहीं हूँ इसलिए किडनैप लिखा है इन लोगों ने। ओके गॉट इट, किडनैप एनी वन पर्सन फ्रॉम लॉस्ट गैंग। सिंपल है कि मुश्किल है ये? मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, बल्कि जिंदा पकड़ना है या मुर्दा। लेकिन मुर्दा पकड़ना होता तो भाई सीधा मारने को बोलते, ये बोल रहे किडनैप, तो किडनैप तो बंदे को जिंदा ही करते हैं। हाँ तो सिंपली लॉस्ट गैंग के अड्डे पे जाना है, उनके किसी एक बंदे को किडनैप करके लाना है, सिंपल सा ये टास्क। अरे बहुत सिंपल है ये तो, तबाही मचा दूंगा इस टास्क में तो मैं। लेट्स गो गाइस, फटाफट से बैठते अपनी गाड़ी में, निकलते हैं लॉस गैंग के बेस पर और पकड़ के लाते हैं एक बंदे को। लेट्स डू दिस। यार मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है ये, क्या ही टास्क दे दिया इन लोगों ने, एकदम इजी सा टास्क है ये तो मेरे लिए। ओके लेट्स गो लेट्स डू दिस। ओके फास्ट रेंज रोवर, कम ऑन फास्ट। ओके ओ नो ओके आराम से। ओके चलो बहुत ही बढ़िया, अब लॉस गैंग का जो बेस है
वो मैं डायमंड कैसीनो के बगल वाले बेस पे जा रहा हूँ। यस, वो वाला बेस जो है गाइस एकदम परफेक्ट है। फटाफट से डायमंड कैसीनो के बेस पे निकलते हैं और वहां से किसी एक लॉस गैंग वाले को उठाते हैं बेहोश करके। जब तक पुलिस स्टेशन पहुंचूंगा तब तक तो होश में आ ही जाएगा। लॉन्डो आ जाओ, एक आ जाओ, चलो आ जाओ, पंगे नहीं, एक आ जाओ, चल बे तू आ। इसको मैंने मुक्का मारा है, याद रखना गाइस, बाकियों को गोली मारते हैं। चलो बे, पैरों में गोली मारूंगा मैं क्योंकि अभी पुलिस वाला बना नहीं हूं मैं। ओके, हेलो, एक्सक्यूज मी सर। चलो लॉस गैंग वाले भाइयों, चलो बे तेरी ऐसी की तैसी, चल निकल, पैरों में गोली। ओ नो, गोलियां चला रहे है तो बिंदास। बेटा जैकेट पहन रखा, बुलेट प्रूफ हल्के में मत लियो मेरे को। कहाँ गया एक? और यार बहुत गोलियां पड़ रही है। बेहोश कौन से वाले को किया है मैंने? आई गेस इस वाले को बेहोश किया है। चलो याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। चल बे, चल ले निकल। ओके बहुत ही बढ़िया। हेलो आंटी जी, निकलो यहाँ से। बाय बाय आंटी जी। एनीवन एल्स? ये लो भाई साहब, और कोई है क्या? कोई नहीं है क्या? कोई भी नहीं है। तो इनमें से ये वाला जो बंदा दिख रहा है गाइस, जिसको मैंने मुक्का मार के सबसे स्टार्टिंग में बेहोश किया था। लेकिन इन दोनों में से कौन से वाले को बेहोश किया था? मैं ये भूल गया। आई गेस यही वाला था, पता नहीं कौन सा वाला था। आई गेस यही वाला था, या फिर ये नहीं था। आई गेस यही वाला था, यही था। चलो 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 चलो, याद रखना था, वही काम ढंग से नहीं हुआ। यही होगा, यही होगा, बेहोशी तो करना था, इसे ही तो मैंने मुक्का मारा आते ही। चलो गाइस फटाफट से अपनी गाड़ी पे रखते हो, निकलते हैं यहाँ से। अबे ये क्या गाड़ी पे मैंने इसे रख दिया है, गिर ना जाए यार रास्ते में ये। ओके आराम से, आराम से, फटाफट से अभी पुलिस स्टेशन निकलना है। बस पुलिस वालों के सामने इस बंदे को मुझे जिंदा पेश कर देना है, फिर मेरा टास्क सिंपली हो जाएगा कंप्लीट। समझ गए भाई तुम लोग? लेकिन पुलिस स्टेशन कहाँ है? अच्छा पुलिस स्टेशन तो उसी रास्ते से जाना था यार, उल्टा आ गया मैं। रुको रुको, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अरे क्या कर रहे हो बे? अबे मान जा। ओ नो, गाड़ी से गिर गया। ओ गाड़ी से गिर गया है वो लॉस गैंग वाला, गिर गया गाड़ी से। तो यार उसे गाड़ी पे रखना है, रुक जाओ अभी, पंगे मत लो मेरे से। ओ ट्रैफिक लग गया लंबा चौड़ा, रुक जाओ भाइयों, रुक जाओ। अबे ये कौन सा आ रहा है मेरे से लड़ने के लिए? सोन पापड़ी जैसे बालों वाले, निकल यहाँ से, चल चल निकल यहाँ से। ओके अभी फटाफट से इसे गाड़ी पे रखते हैं। और रुक जाओ यार, थम जाओ थोड़ी देर। अभी ठीक है गाइस, गाड़ी पे मैंने बढ़िया तरीके से रख दिया है, बीचों बीच रख दिया, पहले साइड में रखा था इसलिए गिर गया ये। अभी ठीक है, अभी नहीं गिरेगा। अरे रुक जाओ आंटी, रुक जाओ, जाने दो इधर। ओके यार ये लॉस एंडोस के लोग ने भाई बिल्कुल ही नालायक है, काम ही नहीं करने देते हैं यार मुझे। और जैसा कि मैं बारिश की बात कर ही रहा था, और तुम लोग देख सकते हो बारिश लिटरली में शुरू हो चुकी है। और ये मैं किन रास्तों से जा रहा हूँ? आई हैव नो आइडिया। ओके बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। चलो ओ नो, रुक जाओ यार, रुक जाओ भाई, क्यों रोक दे दो बीच में गाड़ी? चलो चलो भाई, चलते रहो, पहुंचने वाला हूँ मैं बस पुलिस स्टेशन। हमारे राइट साइड में पुलिस स्टेशन है गाइज, ना जाने कितने पुलिस वाले बनेंगे, कितनों ने अभी तक टास्क कंप्लीट कर लिया होगा, आई हैव नो आइडिया। ओ नो, फिर गिर गया ये। अब क्या है ये बंदा, बार बार गिरे जा रहे हैं, ये तो गिर गिर के ही मर गया होगा गाड़ी से। यार जिंदा पकड़ना था इसे, ये तो कितनी बार गिरा है रास्ते में। अब मर तो ना गया तू? हेलो, आर यू ऑलराइट ब्रो? हेलो ब्रो, ब्रो मर गया? नहीं यार प्लीज ऐसा मत कर। रुक जाओ गाइस, बारिश का पानी लेके मुंह पे मारता हूँ इसके, होश में आ जाएगा। जिंदा है गाइस, जिंदा है। बेटा भाग मत जियो, तेरे में इतने रैपिड बजाऊंगा, वैसे भी सामने पुलिस स्टेशन ही है। चल बैठ शांति से गाड़ी में, बल्कि गाड़ी में मत बैठ, चल उतर, आजा पैदल ही चल, इतना पैदल नहीं चलेगा तो है, आजा फटाफट आजा इस पार। अबे जल्दी, अबे तुझे कैसे भर्ती कर रहे थे यार लॉस गैंग वाले, मुझे समझ नहीं आता। इतने मरियल मरियल से को भी इससे फाइट में, फिस्ट फाइट में मैं इसको एक मुक्के में बेहोश कर दूंगा, बल्कि कर भी दिया था मैंने बेस पे, लॉस गैंग के बेस पे एक मुक्के में बेहोश कर दिया। लॉस गैंग वाले भी थोड़े बॉडी बॉडी वाले बंदे को रखते है यार अपनी गैंग में, क्या ये हड्डी को रख लिया अब गैंग में। अबे अब चल भी ले थोड़ा फास्ट। ओके गाइस मेरा टास्क बस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, भागने की गलती मत करियो बेटा तू, चल चल आजा फटाफट आजा, आजा चल आजा। अबे जल्दी आना यार, क्या है ये, इसको उड़ा दूंगा मैं। पुलिस स्टेशन के सामने नहीं होता ना भाई, सच में मैं इसकी खोपड़ी तोड़ देता, दूसरा बंदा भले ही पकड़ के लाना पड़ता मुझे, लेकिन इसको छोड़ता नहीं मैं। आ इधर चल। ओके हेलो सर, टास्क कंप्लीटेड, मैंने भी अपना टास्क कंप्लीट कर दिया सर। ये रहा लॉस गैंग का एक बंदा और आपके सामने हाजिर है। टास्क कंप्लीटेड सर। ओके मुझे कह रहे हैं यहाँ पर साइड में जाके खड़े हो जाओ, और इस लॉस गैंग वाले को कह रहे हैं कि तुम वापस चल जाओ। जा बे चल निकल, हो गया तेरा काम, निकल चल चल, हमें निकलना, यही टास्क था मेरा, निकल चल। एक सेकंड, सिलेक्शन हो गया क्या मेरा? हेलो सर, एम आई सिलेक्टेड? ओके गाइस, तो यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो चुका है, यस, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर बन चुका हूँ इन तीनों के साथ साथ। व्हाट, ये मोटा लिटरली में पुलिस वाला बन गया क्या? ओके ये भी बन गया पुलिस वाला, व्हाट, और ये भी बन गया,
ठीक है चलो मान लिया यार। तुम लोग टास्क क्या थे वो लॉन्डो, वो बताओ। ए ए मोटे तू तो बता दे टास्क क्या था भाई तेरा, वो बताओ। छोड़ो यार मत बताओ। तो सर अब आगे क्या करना है? ओके ड्रेस मिलेगी हमें, ओके बहुत ही बढ़िया। ओके पर्सनल गाड़ी भी मिलेगी, ओहो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ड्रेस कब मिलेगी सर? हेलो जल्दी से ड्रेस दे दो सर, मुझे ब्रीफिंग रूम में जाना है। हेलो सर पक्का? लेकिन क्यों इन बंदों को नहीं जाना, मुझे जाना है ब्रीफिंग रूम में। यार ये बंदा ब्रीफिंग रूम में जाने के लिए कह रहा है। ओके ब्रीफिंग रूम है कहाँ? इधर ही है क्या? हाँ ये लिखा तो है ब्रीफिंग, इधर ही है ब्रीफिंग रूम। ओ ये तो रहा ब्रीफिंग, चलो चलते हैं। कहाँ क्यों कोपचे में बुला लिया मुझे? पता नहीं भाई क्यों कोपचे में बुला लिया है, उन तीनों को तो बाहर ही छोड़ दिया, मुझे इधर कोने में बुला लिया। आई हैव नो आइडिया क्या सीन है, बट जो भी सीन है ओके काफी खतरनाक सीन है। लेकिन मेरे को क्यों भेज दिया इधर? सेलेक्ट नहीं हुआ क्या मैं? पता नहीं भाई लिटरली मैं क्यों भेज दिया। ओए अबे इसे भी भेज दिया इधर ही है। अबे इसे भी भेज दिया यार क्या? अबे इसे भी, अबे चारों को ही भेज दिया ब्रीफिंग रूम में, तो एक साथ ही भेज देते, ये अलग अलग भेजने का क्या मतलब? पता नहीं भाई। ओके गाइस तो फिलहाल अब ये पुलिस ऑफिसर भी आ चुका है और ये कह रहा है कि भाई हम चारों नॉर्मल पुलिस वाले बन चुके हैं, बट अगर हमें हमारी रैंक को अपग्रेड करना है और हमें पुलिस चीफ बनना है, यस चीफ ऑफ पुलिस, पुलिस चीफ अगर हमें बनना है तो एक और टास्क एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन ये लोग अभी नहीं बताएंगे वो टास्क क्या है, टास्क जब एक्सेप्ट कर लेंगे तब ये लोग बताएंगे कि टास्क क्या होने वाला है, और वो टास्क अगर कंप्लीट कर दिया तो हमें पुलिस चीफ बना दिया जाएगा। आइडिया तो बढ़िया यार, मैं तो सिंपली यस बोलने वाला हूँ कुछ भी टास्क को, मेरे लिए कोई टास्क डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता है। मेरी तरफ से सर यस लिख लो, मैं टास्क एक्सेप्ट करता हूँ, बाकी होगा मेरे को नहीं पता। ओके एक ट्विस्ट है गाइस, यहाँ पर तीनों बंदे ने नो बोल दिया है, मतलब ये नहीं पुलिस चीफ वगैरह बनना चाहते, सिर्फ मैं ही पुलिस चीफ बनना चाह रहा हूँ। भाई इतना क्या खतरनाक टास्क होने वाला है, पता नहीं इन बंदों ने तो गाइस नो बोल दिया। ये बंदे कह रहे हैं कि हम पुलिस वाले ही ठीक है, हमें नहीं बनना पुलिस चीफ। ओके इन तीनों को जाने के लिए बोल दिया गया, अबे मैं ही फंस गया क्या हाँ बोल के? ये तीनों तो गए गाइस, फिलहाल ऑफिसर ने मुझे लॉकर रूम से ड्रेस पहन के आने को कहा है, फिर उसके बाद टास्क बताएंगे। अबे गलती तो नहीं कर दी यार बता के मैंने, मतलब गलती तो नहीं कर दी यस बोल के? आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया मैंने क्यों किया ये, बट मैंने कर दिया। अबे ये क्या है, ये नहीं है शायद से, नहीं नहीं ये नहीं है, स्टाफ रूम कहाँ है? ओ लॉकर रूम, ये तो रहा लॉकर रूम। चलो 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 फटाफट से गाइस यहाँ से ड्रेस पहनते हैं और वापस से चलते हैं बाहर। पता नहीं मैंने गलती कर दी या सही किया। ओके बाहर चलते हैं, पता नहीं क्या टास्क बताने वाला है गाइस वो पुलिस ऑफिसर, ज्यादा खतरनाक टास्क हुआ तो। अरे यार यस नहीं बोलना चाहिए था पहले, टास्क हमेशा सुन लेना चाहिए उसके बाद ही यस बोलना चाहिए, मैंने क्यों कर दिया ये। हेलो सर आई एम हियर, बताओ सर टास्क वास्क क्या है और क्या करना है? हेलो ओके सर गॉट इट। तो गाइज यहाँ पर ये जो पुलिस वाला है ये कह रहा है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का एक ब्रीफ केस है, बहुत ही सीक्रेट ब्रीफ केस, जिसके अंदर हमारी मिलिट्री के कुछ राज छुपे हुए हैं, कुछ सीक्रेट चीजें हैं उस ब्रीफ केस के अंदर, और वो ब्रीफ केस मिलिट्री वालों ने भेजा था मिलिट्री बेस से पुलिस वालों के इस वाले पुलिस स्टेशन तक, बट रास्ते में ही टेररिस्टों ने अटैक करके वो ब्रीफ केस चुरा लिया है। और अभी ये जो पुलिस वाला है भाई, मतलब ये हमारे जो ऑफिसर है, ये चाहते हैं कि मैं वो ब्रीफ केस वापस लेकर आऊं टेररिस्ट बेस से। ओहो बहुत ही खतरनाक मिशन है ये तो, बट मेरे लिए कोई मिशन खतरनाक नहीं है गाइस, मैं जाऊंगा और बिल्कुल जाऊंगा, लेकर आऊंगा और बिल्कुल लेकर आऊंगा ब्रीफ केस है, कुछ भी हो जाए मैं जा रहा हूँ। सर से वेपन मांगते हैं और चलते हैं गाइस टेररिस्ट के बेस पे, लेकर आते हैं ब्रीफ केस, जरा ब्रीफ केस की फोटो वगैरह भी मांग लेते हैं, कैसा ब्रीफ केस है। चलो भाई सर मेरे को वेपन्स दे दो और मेरे को ब्रीफ केस की फोटो सेंड कर दो। तो ब्रीफ केस की फोटो मिल चुकी है और सर ने बोला है कि आर्मरी से जितने वेपन्स चाहते हो ले सकते हो तुम। भाई साहब फुल छूट है यार मुझे, आर्मरी से जितने वेपन्स चाहिए मुझे मैं सारे ले सकता हूँ। यहाँ पर पिस्टल है, यहाँ पर शॉटगन्स है, राइफल्स है और डिफरेंट डिफरेंट असॉल्ट राइफल्स है, स्नाइपर्स है, मैं सब लेने वाला हूँ भाई सब। और चलते हैं टेररिस्ट के बेस पर अटैक करने के लिए। आई एम रेडी एवरीवन, आई एम रेडी।
वेपन्स लिए जा चुके हैं, तो अब डरने की क्या बात है। चलते हैं सर से पूछ के, ओ यहाँ पर एक आर्मर भी है, ये भी पहन लेते हैं। ओ मैंने ऑलरेडी आर्मर पहन रखा है। चलते हैं अब सर से पूछते हैं आगे क्या करना है और फिर निकलते हैं गाइज यहाँ से। ओके सर समझ गया मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, थैंक यू सर। तो देखो गाइज यहाँ पर तुम लोगों को मैं बताता हूँ करना क्या है। मुझे सिंपली टेररिस्ट बेस पर पहुंचना है, छुपके या फिर तो ऐसे धड़ल्ले से भाई कैसे भी करके टेररिस्ट बेस तक पहुंचना है। वहां से मुझे ब्रीफ केस ढूंढना है, पहले अटैक नहीं करना है, सबसे पहले ब्रीफ केस ढूंढ लेना है, क्योंकि सर का कहना है क्या पता हो सकता है टेररिस्टों ने ब्रीफ केस इधर उधर शिफ्ट कर दिया हो और अगर मैं डायरेक्ट अटैक कर दूं तो वो ब्रीफ केस को कुछ नुकसान पहुंचा दे। ऐसा ना हो इसीलिए मुझे सबसे पहले ब्रीफ केस ढूंढना है, उसे ले लेना है और फिर उसके बाद अटैक। आई होप तुम लोग समझ गए। उसके बाद जैसे मर्जी वैसे अटैक कर सकता हूं मैं, कोई वो नहीं है भाई, पाबंदी वगैरह कोई लिमिट नहीं है और मेरे पास वेपन्स तो ऑलरेडी है। साथ ही साथ मुझे काफी अच्छी गाड़ी प्रोवाइड भी कर रहे हैं ये लोग, जो कि है शायद ये वाली, यस यही गाड़ी है। नहीं उन्होंने कहा है नंबर प्लेट पर अभी फ्रैंकलिन लिखा है, बाद में नंबर प्लेट दिया जाएगा। फ्रैंकलिन तो नहीं लिखा है, इस पे लिखा है क्या फ्रैंकलिन? ओ यस इस पे फ्रैंकलिन लिखा है, तो यही वाली गाड़ी है गाइस जो मुझे प्रोवाइड की गई है। ओ नाइस नाइस कार, बहुत ही बढ़िया। ओहो सायरन वायरन फुल बजा दिया है मैंने और अभी निकलते हैं गाइस टेररिस्ट बेस की तरफ। लोकेशन भी मुझे मिल चुकी है, मुझे अकेले वहां जाना है, ब्रीफ केस को ढूंढना है और ब्रीफ केस ढूंढ के वापस उस ब्रीफ केस को सही सलामत लेकर आना है। और अगर ऐसा मैंने कर दिया तो मुझे बना दिया जाएगा चीफ ऑफ पुलिस, यस पुलिस चीफ बना दिया जाएगा गाइज मुझे। और उसके बाद मुझे एक बहुत तगड़ी कस्टम सुपर कार वाली एमरजेंसी पुलिस कार मिलेगी, यस मुझे लिटरली में भाई कस्टम पुलिस सुपर कार दी जाएगी अगर मैं चीफ बन गया तो। तो देखते हैं क्या मैं चीफ बन पाता हूँ या फिर नहीं। अगर तुम लोग चाहते हो भाई कि मैं चीफ बनूँ, यस पुलिस चीफ बनूँ मैं, तो तुम लोग जाकर वीडियो को लाइक कर दो। यस गाइज अभी के अभी जाओ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं लॉस सैंटोस का अल्टीमेट पुलिस चीफ बनूँ। लाल अभी निकलते हैं टेररिस्ट बेस की तरफ, आ रहा हूँ मैं ब्रीफ केस लेने के लिए, लेट्स गो। एक तो ये बारिश पता नहीं क्यों नहीं बंद हो रही है, खैर क्या पता जब तक हम लोग बेस तक पहुंचे बारिश बंद हो चुकी हो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बाकी निकलते हैं अभी। वेलकम एवरीवन, टेररिस्ट बेस के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका हूँ। फिलहाल ये सायरन बंद कर लेते हैं, यार ये सायरन मेरे सर में दर्द कर रहा है, या फिर नहीं जल्दी पहुंचना है यार, सायरन तो चालू रखना ही पड़ेगा तभी तो ये गाड़ी वाले साइड देंगे थोड़ा सा। हट जाओ भाई हट जाओ, सबके सब साइड में हट जाओ, पुलिस इमरजेंसी है, हटो हटो। अरे साइड में हट जाओ नालायक। ओ नो यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसे बनूंगा मैं पुलिस चीफ। ओके 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 कम ऑन फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी हट जाओ सामने से हट जाओ जल्द से जल्द। गाइस वो ब्रीफ केस चाहिए, उसके अंदर कुछ मिलिट्री सीक्रेट्स भी हैं और पुलिस वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ब्रीफ केस। आई हैव नो आइडिया क्या क्या है उसके अंदर, स्पेसिफिक बताया नहीं भाई उस पुलिस वाले ने, उसको भी शायद पता नहीं होगा। लेकिन एक बार मैं पुलिस चीफ बन गया गाइस, जो एक पुलिस वाला इतनी देर से ऑर्डर दे रहा था ना भाई, मैं उससे भी बड़ा पुलिस वाला बन जाऊंगा एक बार, बस पुलिस चीफ बन जाने दो। एक सेकेंड, वो टेररिस्ट बेस उधर की तरफ है, नहीं वो तो एयरपोर्ट है शायद, नहीं टेररिस्ट बेस पीछे छूट गया एयरपोर्ट। अब यार कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ मैं, आई गेस टेररिस्ट बेस पीछे छूट गया गाइस, मैं और पीछे ही जाना था। चलो 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दिख गया मुझे सही टाइम पे। ओके बहुत ही बढ़िया बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, नाइस नाइस नाइस, इधर चलो इधर। ओके एपिक बहुत ही एपिक। ओके फास्ट कम ऑन, यही है क्या? नहीं नहीं सायरन बंद सायरन बंद सायरन बंद सायरन बंद, यस यही तो है यही तो है यही तो है गाइस, यही वाले पोर्ट पर भाई उन टेररिस्टों ने कब्जा कर रखा है। मैंने पुलिस का सायरन क्यों चालू रखा था, कोई बात नहीं अभी फिलहाल बंद कर दिया, शांति से उतरते हैं, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं आगे की तरफ, ओके आराम से। लेकिन इधर से मैं जाऊंगा तो वो लोग तो देख ही लेंगे भाई, जनरेटर वनरेटर लगा रखा है इन लोगों ने तो फुल। वार्निंग डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ केमिकल्स, पता नहीं क्या क्या लिखा है, छोड़ो अभी मेरे पास टाइम नहीं है। सेफ्टी ग्लासेस नोटिस रिक्वायर्ड बियॉन्ड दिस पॉइंट, सेफ्टी ग्लासेस चाहिए इसके आगे, यही है टेररिस्ट बेस, पता ही नहीं चल रहा यार। अबे नहीं यार ये थोड़ी ना है, हेलो अरे यार ये नहीं है, अबे नहीं है यार ये टेररिस्ट बेस, मैं गलत जगह आ गया। ओ नो उनका भी बेस पोर्ट पे ही है ना गाइस, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया। ये नहीं है टेररिस्ट बेस, वो वाला है उस तरफ वाला, यस वो वाला है। ले भाई कहाँ आके मैं अपना दिमाग चला रहा हूँ,
ओके ओके उस तरफ जाना है मुझे। यार यही तो गड़बड़ है सारी की सारी। अभी फिलहाल उधर जाने के लिए शॉर्टकट यूज करते हैं यार। रुको, पुलिस वाला हूँ, इतना तो चांस ले ही सकता हूँ। अबे क्या कर रहा हूँ मैं, रुको रुको। भाई पहली बार पुलिस वाला बना हूँ, आज मेरा फर्स्ट डे है और चीफ ऑफ पुलिस भी मैं थोड़ी देर में बन जाऊंगा, इसलिए थोड़ी बहुत गड़बड़ तो होगी ही। सीधी नहीं जा रही है यार ये पुलिस की गाड़ी। ओके अभी लेट मी डू दिस कम ऑन। बहुत ही एपिक, बहुत ही ज्यादा एपिक जंप, और ज्यादा ही दूर तो नहीं चला गया मैं। ओ नो, क्रैश लैंडिंग नहीं, आराम से बिल्कुल प्यार से लैंडिंग हो जा। बहुत ही बढ़िया, क्या क्या गाइस इस तरफ आ गया। शांति एकदम ही शांति चाहिए। और अभी यहाँ से इधर फेस क्या है, अब ज्यादा ही आगे आ गया क्या। अरे यार मेरे को कंफ्यूज मत करो, मैं बहुत ज़्यादा लिटरली मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ इस वक्त। ओके बेस कहाँ है, वो रहा बेस। यस, इस बार एकदम सही लोकेशन पर आया हूँ गाइस, बिल्कुल सही एंड करेक्ट लोकेशन है, इधर ही आना था, बेस यहीं पर है। नो, कहाँ पुलिस वालों की गाड़ियाँ अटका रहा हूँ मैं। आराम से इस गाड़ी को जो साइड में लगाते हैं, बस कोई नोटिस ना कर ले। चलो ये टेरिस्टो के ट्रक है, पता नहीं किसके ट्रक्स है। इधर नहीं लगाना चाहिए यार, पुलिस की गाड़ी देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, इधर से दूर लेकर चलते हैं, जहाँ पर उनकी नज़रों में नोटिस ना हो मेरी गाड़ी, वहाँ छुपाते हैं इसे। ओके, अरे यार इन कंटेनर्स के बीच में गैप भी तो नहीं है, कहीं छुपा सकूँ मैं, कहाँ छुपाऊँ आखिरकार। ओ नो, पानी में ना गिर जाए, एक ही गाड़ी दी है पुलिस वालों ने। सीधी हो जा गाड़ी, प्लीज सीधी हो जा। यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, अच्छा खासा पुलिस वाला बन गया था, ये पुलिस चीफ बनने के चक्कर में अलग ही फंस गया हूँ मैं। इधर और इधर से भी दिख जाएगी गाड़ी। यार सही है, कहीं नहीं आ रहा कोई, इधर सही है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। ओके, सबसे पहले हमें ढूंढना है वो कहाँ है ब्रीफकेस, और ब्रीफकेस एक बार मिल जाए उसके बाद ही अटैक करना है। ओ नो, ओ वाली लोकेशन बढ़िया है, लॉस सैंटोस पोर्ट। ओ नो, कौन है ये, पता नहीं कौन था, उसने मुझे नोटिस किया कि नहीं किया। फटाफट से यहाँ से ऊपर चलो। यार मैं क्यों उनके सामने ही जा रहा हूँ, हेलो। इधर से रास्ता नहीं है क्या, अबे यार मैं करूँ क्या, इतना खतरनाक मिशन दे दिया यार इन लोगों ने मुझे। अब फर्स्ट डे ऐसे कोई मिशन देता है, पकड़े जाने का डर लग रहा है। उसके टॉप पे पहुंच के भी करूंगा क्या मैं। इधर चलते हैं यार, रुको इधर चलते हैं, यहाँ से इसके टॉप पे चढ़ते हैं। रुको गाइस, लेट मी डू दिस। चलो, शांति से एकदम आराम से प्यार से। ओके, यहाँ से कोई शॉर्टकट है क्या अंदर जाने का, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। ओ नो, मुझे नहीं लगता है यहाँ से कोई शॉर्टकट है। ये पाइप पकड़ के चढ़ जाऊँगा क्या मैं, आई डोंट थिंक सो गाइस, गिर विर ना जाऊँ इधर। नहीं, वापस चलो। इधर कोई सीढ़ी वीढ़ी है, उसे पकड़ के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। ना छुप के हो सकता है, मैं उतना छुप के आगे बढ़ने वाला हूँ, फिर जब बात आएगी भाई लड़ाई की, फिर करेंगे हम लोग रियल फाइट शुरू। फिलहाल ये मैं कहाँ पे आ गया, हेलो एक्सक्यूज मी वेयर एम आई। ओके, शीशा वीशा है यहाँ पर तो। ले भाई इधर तो समुद्र है, इधर से तो आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, वापस चलते हैं वापस। ओके, अबे अब ये चढ़ू कैसे मैं, ले भाई गड़बड़ कर दी मैंने। नहीं, चढ़ जाऊँगा ये वाले पार्ट से। कम ऑन, चढ़ जा भाई, चढ़ जा फ्रैंकलिन, चढ़ जा भाई, चढ़ जा अभी इधर से। हाँ सीढ़ियों से आया था ना मैं, ये पाइप पकड़ के ज़रा ऊपर चढ़ते हैं। ये पाइप पकड़ के चढ़ना भाई बिल्कुल भी आसान नहीं है, हालत ख़राब हो रही है, बट चढ़ना तो पड़ेगा। एक तो ये बारिश की वजह से और फिसल भी रहा हूँ मैं, एक बार इसके टॉप पे पहुँच जाऊँ फिर मैं छत पे जंप लगा दूंगा। चलो, आई नो गाइस तुम लोग क्या सोच रहे हो, मैंने चढ़ना तो उस वाले पाइप पे शुरू किया था, मैं इस वाले पाइप पे क्यों आ गया। उस वाले पाइप पे जब मैं चढ़ के ऊपर पहुंचा तब मेरे को पता चला कि ये वाली छत काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, इसलिए मैं उतर के इस वाले छत पे आ चुका हूँ, मतलब इस वाले पाइप पे। अब यहाँ से उधर जंप लगाने वाला हूँ, लेट्स सी क्या होता है। कम ऑन, अबे ये क्या था, कैसी जंप थी ये। सो जिधर जंप लगाना चाहता था वो प्लान तो फ्लॉप हो गया। अब इधर कम ऑन, बहुत ही बढ़िया। अबे ये क्या है, अबे यार इधर चिड़ियों ने भाई क्या क्या कर रखा है, यहाँ पे पेंटिंग कर रखी है भाई चिड़ियों ने, कबूतर चिड़िया कौए, क्या कर दिया इस छत का हाल। ओके यार ये टेरिस्टो के बेस में पहुंचना कितना मुश्किल है। ओ नो, अब इधर से कहां जाऊं मैं, इतनी मुश्किल से तो छत पे पहुंचा हूं मैं, यहां से आई गेस नीचे कूदना पड़ेगा मुझे। चलो संभल के चलेंगे गाइस, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं, जल्दबाजी के चक्कर में मैं टपक सकता हूं। ओ नो, यहां से जाऊं कैसे मैं आगे, यहां से आगे का कुछ सीन ही समझ में नहीं आ रहा, इसके ऊपर चढ़ते हैं। ओके लेट्स सी इधर क्या है। ओके नीचे वो देखो एक टेरिस्ट खड़ा है, दिख रहा होगा तुम लोगों को। एक काम करता हूँ मैं, जंप करके उस वाले पार्ट पे लैंड करता हूँ, ठीक है। ये जो लोहे वाला पार्ट दिख रहा है मेरे पास, वो है ही पैराशूट। कम ऑन। ओ नो, गड़बड़ हो गई, पैराशूट सही टाइम पे नहीं खुला।
नो, पानी में हूँ मैं। उस सामने भी एक टेररिस्ट है, उसने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, पानी के अंदर ही अभी रहना पड़ेगा। ओ यार मेरी किस्मत क्या है आज, किस्मत साथ नहीं दे रही है बिल्कुल भी। ओके सही है सही है सही है, वो गया। जल्दी से सीढ़ियाँ ढूंढो और निकलो यहाँ से भाई। अरे सीढ़ियाँ नहीं होती क्या यहाँ पे? अरे किसी ने देख लिया। ओके वो बंदा उधर देख रहा है, बहुत ही बढ़िया, जल्दी। अरे सीढ़ियाँ ही नहीं है पानी के अंदर यार, कोई बात होती है ये? कोई नहीं है, पाइप पकड़ के चढ़ जाता हूँ मैं जल्दी से। हेलो एवरीवन, प्लीज मैं कुछ करने नहीं आया, गिर गया फिर से। मैं कुछ करने के लिए ही नहीं आया, मैं तो सिंपली बस यहाँ पर एक सूटकेस ढूंढ रहा हूँ। प्लीज मुझे सूटकेस एक बार ले लेने दो भाइयों, ओ भाइयों प्लीज। ओ नो किधर जा रहा हूँ मैं, आराम से यार, फर्स्ट मिशन है, फर्स्ट मिशन में इतनी सारी गड़बड़ियाँ हो रही है भाई, बट स्टिल अभी तक मैं पकड़ा नहीं गया हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। पता नहीं कहाँ अटक गया था अभी। ओके चलो चलो चलो। ओ नो सॉरी सॉरी भाई, भाई डरा दिया इसने, डरा दिया। मैं गया, मैं पकड़ा गया। नो सर, आई एम सॉरी सर, पहले पकड़े नहीं जाना था, पहले ढूंढना था सूटकेस को। मैं पहले ढूंढूंगा सर, आप टेंशन मत लो। ओ नो, वो बंदा आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहाँ से आ गया यार, गधा। ओके सर, सूटकेस ढूंढना है सर। हेलो सूटकेस सर, सूटकेस। अरे खुल जा, सूटकेस ये है क्या सूटकेस? अबे एक सेकंड, फोटो देखूं जरा मैं सूटकेस की। अबे यार वेपन नहीं निकालना है, फोटो देखने तो सूटकेस की। ओके ये है फोटो, ठीक है देख ली भाई, सूटकेस की फोटो देख ली। लेकिन वो सूटकेस लगा रहा है, वो तो बक्सा है भाई इतना बड़ा। अरे यार वही फोटो देखनी चाहिए थी, मेरे को तो लगा था बिल्कुल छोटा सा ही सूटकेस है, लेकिन ये तो पूरा बड़ा सा बॉक्स है यार। मतलब इन टेररिस्टों से फाइट तो करनी ही पड़ेगी इन दी एंड। कोई बात नहीं, पहले एक बार वो बक्सा मिल जाए, मतलब वो सूटकेस मिल जाए, फिर मैं यहाँ से शांति से निकल लूंगा। ओहो कहाँ होगा सूटकेस, ये रूम भी तो नहीं ओपन हो रहा है। रुको, मुझे यहाँ पर ग्रेनेड्स का यूज करना होगा। कम ऑन। ओके एक यहाँ पर और एक ग्रेनेड यहाँ पर, अब देख ही लिया है तो डर किस बात का। चलो भाई ब्लास्ट हो जा, फटाफट ओपन कर दे दरवाजा भाई। दोनों दरवाजे चेक कर लिया मैंने, कुछ भी नहीं है दरवाजों के अंदर, खाली रूम है खाली। ये तो है भाई, पूरा रूम ही खाली है, बाहर चलो। ओके नाइस, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वो बंदे अभी तक ढूंढ ही रहे हैं, लगता है उनको पता नहीं है मैं कहाँ चला गया। कोई और भी रूम है क्या ऊपर की तरफ? एक और रूम है गाइस, चलते हैं ढूंढते हैं। कहाँ है? ओ नो ये वाला भी बंद है। लेट मी ओपन दिस। चलो भाई फेंको। बहुत ही बढ़िया, और एक और बहुत ही बढ़िया। चलो ओके, ओए वेट, अबे यही तो है सूटकेस। अरे वाह यार सूटकेस मिल गया, अब क्या चाहिए। चलो गाइस सूटकेस तो मिल गया है, इसका मतलब सूटकेस यहीं पर है इसी टेररिस्ट बेस पे। अब फटाफट से टेररिस्टों को चैन की नींद सुलाते हैं और ये सूटकेस लेकर निकलते हैं, सिंपल। आ जाओ भाइयों, वेयर आर यू, फाइट विद मी। कहाँ गए भाई? अरे लौंडे कहाँ गए तुम लोग? ओके नीचे ही है सर जी, ऊपर हूँ मैं आपके। कहाँ आप नजर गड़ाए बैठे हो, आप हमारा नीचे इंतजार कर रहे हो, मैं आपका ऊपर इंतजार कर रहा हूँ। आ जाओ सर जी आ जाओ, कहाँ तेजी में निकल रहे हो, तेजी में कहाँ जाओगे? ओके कोई और है क्या? अरे एक ही था बस, मैं इतनी साइलेंटली आया हूँ भाई, ज्यादातर बंदों को पता ही नहीं चला। ओके ये बंदा कैसे टपक गया भाई? अच्छा ये ऊपर ढूंढने के लिए चढ़ाओ गया, नीचे गिर गया। और दो बंदे नीचे गिर गए लगता है, यस दो बंदे नीचे ही गिर गए, सही तो है, और क्या चाहिए। बाकी कहाँ हैं भाई? इनका कोई भरोसा नहीं है, कोई खतरनाक प्लानिंग भी कर सकते हैं ये लोग। मेन गेट पे भी कोई नजर नहीं आ रहा है, कुछ अलग ही प्लान तो नहीं कर रही है। पता नहीं भाई क्या सीन है, मैं एक काम करता हूँ सूटकेस लेके आता हूँ और जल्दी से निकलते हैं, कुछ भी प्लान हो इनका फटाफट से सूटकेस लेकर आते हैं। चलो भाई सूटकेस घसीटते यहाँ तक लेकर आ गए हो, आगे और लेकर चलते हैं। चल सूटकेस भाई थोड़ा सा और आगे चल ले यार भारी बहुत है, इसको उठाया नहीं जा सकता, इसको ऐसे धक्का ही देना पड़ेगा। ओके चलो, ओके थोड़ा सा और, अबे मैं चढ़ भी तो जा रहा हूँ बार बार इस पे। ओके कम ऑन, पुश इट चलो। अबे एक और काम कर सकता हूँ मैं, हैं ऐसे? ओ नहीं ऐसे नहीं जाएगा सूटकेस में, बल्कि छेद हो रहा है ऐसे तो। चलो चल सूटकेस भाई, चल आगे सूटकेस। ओए वेट, आ गए, मैं कह रहा था गाइस आएंगे वो लोग। उनो ये रहा एक भाई, मैं कह रहा था कुछ अलग ही प्लानिंग कर रहे हैं। ओ तेरी कितने हैं तुम्हारी, ऐसी की तैसी। ये ले ब्लास्ट वहाँ पर, और एक और ये ले, एक और तू भी ले। नाइस, वहाँ वाला ब्लास्ट ही कर दिया, उससे ही टिपक गए ये तो। आ जाओ दमे तो। भाई साहब एक ब्लास्ट से उड़ा दिया इन लोगों को, मुझे ज़्यादा फाइट नहीं लेनी है गाइस, मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाह रहा हूँ। काम करता हूँ अपनी पुलिस वाली गाड़ी लेकर आता हूँ और जल्दी से उसके अंदर ये सूटकेस, उसके अंदर नहीं उसके ऊपर ये सूटकेस रखेंगे और निकल लेंगे। खोलोगे? खुलता कैसे है ये? कहाँ से ओपन होता है ये? इसमें भी बॉम्ब फेंकना पड़ेगा। अरे ओपन हो जा भाई, क्या करके मानेगा तू, फटाफट ओपन हो जा प्लीज़।
चल ओके हो गया यार, बिना बॉम्ब के कोई मानता ही नहीं है। फटाफट 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 मेरी पुलिस की गाड़ी कहाँ है ये रही। अब इसके ऊपर फटाफट से वो सूटकेस और लेके यहाँ से मैं निकल लूंगा। बहुत ही बढ़िया प्लान है। चलो गेट ओपन हो जा भाई। अब ये गेट फिर से लॉक हो गया क्या? नहीं अनलॉक है। बहुत ही बढ़िया। फटाफट सूटकेस रखो। रख दिया भाई, सूटकेस रख दिया है। ओके नाइस। बहुत ही बढ़िया। अरे बट्टा क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने, क्या ही उखाड़ लिया। चलो। ओए, अबे ये बाहर इंतजार कर रहे हैं। रुको भाई, तुम्हारी ऐसी की तैसी हैं। सूट के चुराओ। ओ मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, पूरा शीशा तोड़ दिया गाइस। ओ नो रुको, मेरे पास बॉम्ब्स। और मेरे बॉम्ब्स कहाँ गए? अरे यार मेरे काम के बॉम्ब्स कहाँ गए? जब जरूरत पड़ती है तब ये बॉम्ब्स मिलते नहीं है। ओके ये मिनी SMG। अभी बताता हूँ बेटा तुम लोगों को गोलियाँ किस तरीके से चलाई जाती है। मेरी मिनी SMG की पावर नहीं देखी ना तुम लोगों ने? छोड़ो गाइस, बाकी बंदों से मुझे फाइट नहीं लेनी है। आ जाओ फटाफट। बहुत ही बढ़िया। जल्दी से अभी पुलिस स्टेशन निकलना है। बस एक बार पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ, वरना रास्ते में गाइस ये टेररिस्ट बहुत परेशान करेंगे। एक बार पुलिस स्टेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। वहां तक पहुंच गया फिर कोई गड़बड़ नहीं है। चलो रास्ते के साथ सब कुछ ब्लास्ट कम ऑन। चलो। और नो, सामने भी देखते रहना होगा। फटाफट। ओके गाइस आ रहे हैं वो लोग, मेरे पीछे ही आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरी ड्राइविंग को वो लोग जानते नहीं है। अरे मेरी ड्राइविंग तो बहुत ही बेकार है। नहीं मैं आज बढ़िया ड्राइविंग करूंगा। रुको भाई, जब बात जान पे आती है ना भाई, तब मेरी ड्राइविंग देखा करो तुम लोग। अल्टीमेट ड्राइविंग करता हूँ मैं, अल्टीमेट। पूरी दुनिया में मेरे से बढ़िया ड्राइवर नहीं मिलेगा। जब बात जान पे आ गई हो तब। अभी देखो मेरी ड्राइविंग कहीं नहीं ठोकूंगा मैं, बस बिंदास भगाता जाऊंगा फुल स्पीड में। 200 से स्पीड नीचे आने नहीं दूंगा। फिलहाल 200 अभी पहुंची भी नहीं है, लेकिन फिर भी गाइस लोग ड्राइविंग देखो बस मेरी, भागो। इतनी भी बढ़िया ड्राइविंग नहीं कर रहा मैं, बट स्टिल उन लोगों को मैंने पीछे छोड़ दिया है। नहीं है पीछे हट जाओ भाइयों, हट जाओ प्लीज़ अपना इलाज करवा लेना। ओके जल्दी पुलिस स्टेशन भागो। एक तो यार बारिश बंद नहीं हुई भाई, पूरे टाइम बारिश होती ही रह गई। और यार मैं गाड़ी से इधर से क्यों जा रहा हूँ? सबसे बढ़िया शॉर्टकट है यहाँ पे। रुको, सबसे बेस्ट आइडिया है ये। नीचे सीवर के थ्रू गए मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा लिटरली मैं पुलिस स्टेशन। टाइम ही नहीं लगेगा पहुंचने में, क्योंकि सीवर में थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा। ये देखो अब अपनी गाड़ी क्या बिंदास भागती है, पानी के अंदर पानी के बाहर जैसे भी फुल स्पीड में गाड़ी भगाने वाला हूँ। स्पीड देखो तुम लोग जरा, 200 से ऊपर की स्पीड है। पानी के अंदर थोड़ी स्पीड कम हो जाती है। ओके यहाँ बाहर आ गए। चलो कम ऑन, ये सबसे बढ़िया दिमाग लगा लिया भाई, ट्रैफिक की कोई चिंता ही नहीं। बस कितना बढ़िया। ओ नो, पानी में बूस्टर। ओके सही टाइम पे थोड़ा बूस्टर भी काम आ जाता है। चलो सीवर के रास्ते भगाते अभी फिलहाल पुलिस स्टेशन ऑलमोस्ट पहुंच ही गया है इसमें। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। फाइनली आई डिड इट भाई, क्योंकि पुलिस स्टेशन वो रहा जस्ट सामने में। कह नहीं रहा था सीवर के रास्ते में पुलिस स्टेशन आराम से पहुंच जाऊंगा। सर आपका ब्रीफकेस लेके आ गया मैं, बना दो मेरे को पुलिस का चीफ। सर आपका ब्रीफकेस लेकर आ गया मैं। हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग? फिलहाल मैंने टास्क जो था वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया, और इसी वजह से गाइस मुझे मिल चुकी है एक पुलिस की बुगाटी। यस, बुगाटी पुलिस की। और मैं इकलौता पूरी लॉस सैंटोस में पुलिस ऑफिसर हूँ जिसके पास एक पुलिस की बुगाटी है। और मैं अब सिर्फ और सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं रहा, मैं बन चुका हूँ चीफ ऑफ पुलिस। पुलिस चीफ बन चुका हूँ गाइस इसी के साथ, एंड फास्टेस्ट पुलिस कार अभी पूरे लॉस सैंटोस में मेरे पास ही है। और पुलिस चीफ बनने के बाद यार काफ़ी बढ़िया लगता है, क्योंकि पुलिस वाले बनने के बाद तो तुम तबाही मचा ही सकते हो लॉस सैंटोस में, क्रिमिनल्स की दुनिया में। लेकिन पुलिस चीफ बन जाओ तब तो भाई पुलिस वाले मेरे लिए काम करेंगे, जो मैं कहूँगा उन्हें वो करना ही पड़ेगा। जिस टास्क को मैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए बोलूँगा उन्हें वो टास्क कंप्लीट करना ही पड़ेगा, और इसी में तो मज़ा है भाई। फिलहाल गाइस तुम लोगों को आज की ये वीडियो और मेरी पुलिस चीफ बनने की जर्नी बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।